हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो ये आज का हमारा दूसरा वीडियो है और इसके थ्रू हम आपके साथ दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कुछ वैकेंसीज हैं वो शेयर करेंगे। उसमें से एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे परमानेंट बेसिस पे काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोजिशंस आई हुई हैं, और चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है इसलिए जो सैलरीज होंगी वो सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से होंगी। और जो दूसरा इंस्टीट्यूट है वो सैनिक स्कूल है एक, वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक पोजीशन आई हुई है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उससे जो वैकेंसीज हम डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करते हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी और आप उसमें से कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हायर एजुकेशन की बात करते हैं। ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं। जो प्रोफेसर की पोस्ट है ये हमने वेबसाइट ओपन करी हुई है उस इंस्टीट्यूट की, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रोफेसर्स के लिए पोस्टिंग डाली गई है, उसके नीचे एसोसिएट प्रोफेसर और उसके नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं सेवन पे कमीशन के हिसाब से सैलरी होगी और एज लिमिट है 55। प्रोफेसर चूंकि सीनियर पोजीशन है इसलिए उसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 10 साल का मांगा गया है, जो कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वैसा ही होता है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, उनकी भी सेवन पे कमीशन के हिसाब से जो है सैलरी होगी और 10 वैकेंसीज हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। नीचे हम जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज पे। ये बेसिकली है जहाँ पे आपकी अगर मास्टर्स डिग्री आपने कंप्लीट करी है, साथ में नेट आपका होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए जो कि स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने और पीएचडी अगर आपने करा हुआ है, नेट आपका नहीं है बट पीएचडी 2009 के पहले का है जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, तभी भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 15 पोजीशंस हैं, 15 पोजीशन है, लेवल 10 रहेगा सेवन पे कमीशन का, जिसमें से अनरिजर्व है 6 पोजीशन, ओबीसी 5 और फिर एससी एसटी डब्ल्यूएस 1। एज लिमिट इसमें है 35 इयर्स, सो 35 इयर्स की एज तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट इसमें डाला हुआ है आपका पीएचडी के बाद का एक्सपीरियंस इसमें 3 साल का इन्होंने मांगा है, और अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी एडवांटेज आपको मिलेगी। ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन करी हुई है जो कि आप देख सकते हैं कि ये अगर आपका है तो आपको प्राथमिकता ऑब्वियसली इसके लिए दी जाएगी। नेक्स्ट कुछ इसमें नॉन एकेडमिक पोजीशंस हैं, डेप्यूटी फाइनेंस ऑफिसर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी पोजिशन है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजिशन है और जूनियर असिस्टेंट की भी पोजिशन है। अप्लाई करने के लिए ये जो ब्लू कलर का टैब आप देख रहे हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके सामने जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा, वो अभी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर है और ये 11 तारीख को यानी कल ये नोटिफिकेशन निकला है, तो अभी टाइम है आपके पास 1 महीना का। और ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये। ये स्पेशलाइजेशन एरियाज हैं जिसमें मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, फिर मार्केटिंग से रिलेटेड है, उसके अलावा ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज जिसमें कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, लॉ एंड रेगुलेशंस, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज हैं वो इसमें हम नहीं देख पाए हैं, ये नोटिफिकेशन में हमें नहीं मिल पाया है। आप भी एक बार इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं डिटेल में जाके। ये इंस्टीट्यूट है नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है और ये वडोदरा में है, गुजरात में, तो वहाँ पे ये पोजीशन होगी। और जैसे हम मान लीजिए आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, जब आप क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ये ओपन करेगा और वहाँ पे आपने अपना एप्लीकेशन डालना है। तो ये उसका वो एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। बहुत ही लंबा फॉर्म है एक्चुअली, बहुत सारी डिटेल्स आपने इसके नीचे डालनी होगी, एक एक करके आप डालते चले जाएंगे। फिर साथ में जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपने यहाँ पे अपलोड भी करते रहना है, तो आपने नीचे तक ये फिल करना है, फिर आपने ये सबमिट कर देना है। ऑनलाइन ही ये एप्लीकेशन है, आप भी नोटिफिकेशन को पर अप्लाई करने से पहले एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप सर्टेनली अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है स्कूल में वो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये जो वैकेंसी आई हुई है ये सैनिक स्कूल नागरोटा जम्मू में है। एक ही पोजीशन है टीजीटी हिंदी के लिए और उसमें सैलरी वो पे करेंगे जैसा कि लिखा गया है 30,000 रुपीज़। एज है 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए 1 अक्टूबर को। क्वालिफिकेशंस इसमें मेंशन है, जो डिजायरेबल है वो भी इसमें मेंशन है। और ये जो पोजीशन है ये सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है, तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, वहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो आपने करना है वो हार्ड कॉपी के थ्रू करना है। आपने उनको ये भेजना है डायरेक्टली एक सिंपल पोस्ट से, इसमें मेंशन करा गया है नीचे की तरफ, इसी में एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका प्रिंट आउट आप निकालेंगे, साथ में सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपीज हैं वो आप लगाएंगे, और उसके साथ आप ये जो एड्रेस यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 1 पर, इस पे आपने भेज देना है 17 अक्टूबर से पहले, 17 अक्टूबर तक या उसके पहले आपने ये भेज देना है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप सर्टेनली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोजीशन है ये और वो भी रिजर्व्ड कैटेगरी में है, तो ऑब्वियसली यू कैन सी इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट। सो विल अगेन, और ये अगर आपने डाउनलोड करना है तो ये इनकी वेबसाइट है सैनिक स्कूल नागरोटा .com। यहाँ पे जब आप रिक्रूटमेंट टीजीटी हिंदी पे क्लिक करेंगे तो वो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जो अभी अभी हमने आपको दिखाया है। तो उसके बाद अगर आप को लगता है कि आपने अप्लाई करना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल अगेन कम बैक टू यू विद सम मोर वैकेंसीज।